लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए कई उपकरण तैयार करने वाले रादौर के गांव दामला में स्थित सेठ जयप्रकाश पॉलिटेक्निक संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। संस्थान को यह पुरस्कार केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा एक आभासी कार्यक्रम में संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल बुद्धि राजा को प्रदान किया गया है। इस बारे संस्थान के प्रधानाचार्य अनिल बुद्धि राजा ने कहा कि देश भर से इस पुरस्कार के लिए 900 से अधिक तकनीकी संस्थानों ने आवेदन किया था। इस पुरस्कार को 3 चरणों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद विजेताओं का चयन किया गया। उनके संस्थान को कैटेगरी 4 में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया है। जो ये अवार्ड है ये AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली की तरफ से पिछले साल से स्टार्ट किया गया, तो ये उन इंस्टीट्यूट को दिया जाता है जो इनोवेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो जो इस बारी का टॉपिक था इंडिया फाइट्स कोरोना, तो इसके अंदर जो AICTE की तरफ से पूरे इंडिया से जितने भी इंस्टीट्यूट हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट उनसे इसके लिए डिमांड की गई थी। लगभग 10,000 टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें से 900 इंस्टीट्यूट ने इसके लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने इसमें डिफरेंट कमेटीज़ बनाई, जो फर्स्ट स्टेप के अंदर 535 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 535 इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जब सेकंड कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट करी जो उनकी टेक्निकल कमेटी थी, तो उसमें से उन्होंने 105 इंस्टीट्यूट का चयन किया। जब लास्ट जो कमेटी थी उसमें हर इंस्टीट्यूट को अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी, तो रीजनल लेवल पे उन्होंने इस कमेटी ने को डिफरेंटली रीजनल लेवल पे इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें उन्होंने फाइनल 35 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया और वो भी 14 कैटेगरीज में। तो हमारी संस्था को कैटेगरी 4 में फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते संस्थान के स्टाफ सदस्यों द्वारा ऑटोमेटिक डिसइंफेक्शन चैम्बर, कोविड टेस्टिंग कियोस्क, हैंड स्प्रे, सैनिटाइजर स्टैंड सहित अन्य उपकरणों का निर्माण किया गया था, जिन्हें विभिन्न हॉस्पिटल, सरकारी दफ्तरों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए वितरित किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल को यह उपकरण तकनीकी शिक्षा विभाग एवं मैनेजमेंट की आर्थिक मदद से दान स्वरूप भेंट किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, RT भारत।